विधायक हाजी इशराक ने मकान की सील तोड़ने का कोसे जायज बताया है। इशराक खान के मुताबिक ईडीएमसी गलत तरीके से कार्रवाई करती है। हाजी इशराक से मामले में बातचीत के माध्यम से संवाददाता तरुण कालरा ने। सीलमपुर के विधायक हाजी इशराक हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी जी, आपने ब्रह्मपुरी में सील तोड़ी है, ईडीएमसी ने वो सील लगाई थी, ऐसा काम क्यों किया आपने? पहली बात तो मैंने सील तोड़ी नहीं है, सील उसके ताले के ऊपर लगी हुई है, अभी मौजूद है। वहां पर एक पुलिस वाला रहता है बराबर में, उस गरीब आदमी को उससे पैसे मांगता है 1,00,000 रुपए। अच्छा। उसको सेटिंग करके एमसीडी से सील लगवा दी गई। वो गरीब आदमी गेट क्यों नहीं खोलेगा? उसकी जगह है, वो गेट खोलेगा। वो तो सील तो लगी हुई है, जैसी ताले पे लगी हुई सील। हाजी जी, हम अभी मौके से ही आ रहे हैं, पूरा दरवाजा खुला हुआ है और जो लॉक की बात कर रहे हैं वो भी मकान मालिक ने हटा दिया है। मकान मालिक ये कह रहा है कि विधायक का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ईडीएमसी ने जो गैर कानूनी काम किया था उसको कानूनी रूप दे दिया, लेकिन सील तोड़ना कितना जायज लगता है आपको? नहीं है तो गलत ही, सील नहीं तोड़नी चाहिए, मगर मैंने सील नहीं तोड़ी है, ताला लगा हुआ है। मैं गया जरूर था वहां पर, उनने गेट खोल के दिखाया मुझे। जी, वो वीडियो हमारे पास है, वो आपने कहा कि तू सील तोड़, आपने कहा नहीं नहीं विधायक जी आप तोड़िए, तो आपने हाथ में आपकी सिगरेट भी थी और आपने सील तोड़ी है, ये वीडियो के अंदर पूरा प्रमाणित है, इसके अंदर लाग लपेट की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपने गैर कानूनी काम किया है, क्योंकि पिछले भी नेता हैं जो बीजेपी के हैं वो भी सील तोड़ने के कारण विवादों में रहे हैं। नहीं ऐसा है, देखो कोई भी है, एमसीडी कोई काम नहीं कर रही, कोई गली नहीं बना रही, कोई लेट नहीं लगा रही, कुछ काम नहीं कर रही। जहाँ दो ईंटे लगी जाती है उसको पैसा चाहिए, जो पैसा नहीं देता वो सील लगा देती है। वो काम हम अपने विधानसभा में होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो आगे भी आप सील तोड़ते रहेंगे? जी तोड़ते रहेंगे, हम कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं है, केस लगेगा लग जाएगा। क्या पार्टी भी इंडोर्स करती है इस तरह की थिंकिंग? पूरी दिल्ली के अंदर सीलिंग होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपको ऐसा तो नहीं लगता हाजी जी, आखिरी प्रश्न, कि मनोज तिवारी ने भी सील तोड़ी थी, मैंने भी सील तोड़ दी, एक पब्लिसिटी मिल गई? गरीब आदमियों को तंग करना, बोला एमसीडी क्या कर रही है? 1,000 गलियां दिल्ली सरकार ने बनाई है, एमसीडी ने एक गली नहीं बनाई। एमसीडी को लैंड दे दी गई है, एमसीडी ने एक लैंड नहीं लगाई, तो एमसीडी पैसे ही पैसे चाहिए उसको। दो ईंटें लगाता पहुंच जाती है एमसीडी पैसा लेने के लिए। यानी कि आप सीधा संदेश दे रहे हैं कि अगर एमसीडी के काम से आप दुखी हैं तो आपके पास आइए, आप सील भी तोड़ देंगे और एमसीडी को भी सबक सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाएंगे। तो ये हाजी इशराक हैं जो पहले मान नहीं रहे थे कि उन्होंने सील तोड़ी है, जब हमने उन्होंने कहा कि सील तोड़ी है उसका वीडियो भी है, तो उन्होंने कहा कि एमसीडी कोई काम नहीं कर रही है, गैर कानूनी तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है और आगे भी अगर ये गैर कानूनी काम है तो केस झेलने के लिए भी तैयार है। कैमरामैन मुकेश के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज दिल्ली।